हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सना, एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे गोभी गोश्त। गोभी गोश्त बनाने के लिए मैंने गोश्त लिया है बीफ, तकरीबन ये हमारे पास है 600 ग्राम। गोभी हमारे पास आधा किलो है। 2 मीडियम साइज़ प्याज काट लिए हैं मैंने। हरी मिर्चें भी नहीं काटी क्योंकि बाद में डालनी है, तो वो आप 2 से 3 अदद भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास बड़े वाली हैं, मैं 2 डाल रही हूँ। टमाटर अगर आप लें तो 2 मीडियम साइज़ ले लें। मैंने टमाटो पेस्ट लिया है, तो ये तकरीबन 1.5 स्पून है। उसके अलावा कड़ी पत्ता लिया है, इलायचियाँ 2 से 3 अदद ली हैं, 1.5 टीस्पून मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद है सूखे धनिए का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक आप हसबे जायका लेंगे, मिर्च भी अगर आप और डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और ज़ीरा पाउडर। तो जब हम बनाना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम गोश्त बॉयल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम गोभी गोश्त बनाना। 4 कप मैंने इसमें पानी डाला है देचकी में। अब हम गोश्त डाल देंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। हम अच्छी तरह से गोश्त बॉयल करेंगे। पानी हमने इसलिए ज़्यादा डाला है ताकि गोश्त गलने के बाद हम इसमें से यखनी निकाल लेंगे, जो कि हम सालन बनाते हुए इस्तेमाल करेंगे। इसमें कड़ी पत्ता, इलायचियाँ, ये सब भी डाल देंगे। गोश्त हमारा जो है वो बॉयल हो चुका है। अब हम यखनी अलग कर लेंगे और गोश्त निकाल लेंगे। गोश्त हमने अलग से निकाल लिया है और ये इसके अंदर नीचे यखनी भी है। और 1 कप हमने ऑयल डाला है देचकी में। अब हम बॉयल गोश्त इसमें डाल देंगे। प्याज हमने साथ ही डाल दिए थे बॉयल करते हुए गोश्त, तो वो बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं, गल चुके हैं, इसलिए मसाला जल्दी बनेगा। अब हम इसमें टमाटो पेस्ट डाल देंगे। आपके पास अगर टमाटर है तो आप टमाटर ही डालें। अब हम सारे मसाले डाल देते हैं। मसाला भूनते हुए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे साथ साथ, ताकि नीचे ना लगे। मसाला तकरीबन हमारा भून चुका है। अब हम इसमें गोभी डाल देंगे। इसको मिक्स कर लिया। तकरीबन 15 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। तकरीबन 15 मिनट तक हमने अच्छी तरह गोभी डाल के इसको भून लिया है। अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए, और पानी नहीं, जो यखनी है हम वही डाल लेंगे। तकरीबन 1/2 गिलास। तकरीबन 15 मिनट तक हम इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। तकरीबन 15 मिनट तक गोभी गोश्त बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें धनिया, हरी मिर्चें डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम और इसे दम देंगे और फिर निकाल लेंगे सर्व करने के लिए।
गाइस गोभी गोश्त बिल्कुल रेडी है। हमने ज़ीरा पाउडर डाल के इसको डोंगे में निकाल लिया है, बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार, अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो लाइक और शेयर करें। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।